बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉस प्राइस डिमांड अंडर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम बेसिकली देखते हैं कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑन वन कमोडिटी बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर सपोज हम एज्यूम करें कि बीफ एंड चिकन और अगर मेरी एजम्शन कुछ ये है कि बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ चिकन देअ इज क्वांटिटी डिमांड फॉर बीफ और यहाँ पे अगर क्रॉस प्राइस इलास्टर डिमांड मुझे मैयर करना है तो मैं कैसे मैयर करूँगा कि हम उसके लिए सबसे पहले कंप्यूट करेंगे कि वट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ बीफ देन हम इसको डिवाइड कर देंगे विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ चिकन और यहां पे जो भी मेरे पास नंबर आएगा वो नंबर मुझे रिपोर्ट करेगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बीफ विद रेफरेंस टू प्राइस ऑफ चिकन अब उसी पैटर्न पे जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर बीफ होती है मेरे पास इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर बीफ बिकॉज और डिवाइड हम उसको किस चीज पे करते हैं हम उसको डिवाइड करते हैं विद आवर पॉइंट ऑफ स के अगेंस्ट विच पॉइंट वी वॉन्ट टू कम्प्यूट परसेंटेज चेंज इन क्वानिटी डिमांड फॉर बीफ लेकिन यहां पर हम जो क्वान्टिटी डिमांड ऑफ बीफ की बात करेंगे वो हम बात देखेंगे विद रेफर कमोडिटी और वो जो दूसरी कमोडिटी है इस केस में हमने यहां पर एज्यूम किया है चिकन इफ देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ चिकन देयर इज समिटी डिमांड फॉर बीफ लेकिन जब आप इसको रिलेटिव टर्म्स में मैयर करोगे कि इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर बीफ बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ चिकन तो तब हम कहते हैं दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और इस चीज को जब अल्टीमेटली अगर मैं सारे फार्मूला को मैनुपलेट करूं तो अल्टीमेटली मेरे पास एक फार्मूला ऑप्टेन होता है जिसमें हम लिख रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर बीफ ओवर चेंज इन प्राइस ऑफ चिकन मल्टीप्लाइड विद

क्वाटिटी डिमेंड फॉर बीफ इज इक्वल टू टू इफ प्राइस ऑफ चिकन इज इक्वल टू फोर हंड्रेड हाँ जी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेशक यूं समझ लें कि क्वान्टिटी डिमांड फॉर बीफ यहां पर मैं के जी में रिपोर्ट कर रहा हूं और प्राइस ऑफ चिकन मेरे पास क्या है इन रुपीज सेकेंड स्नैरियो क्या है के जी इफ क्वान्टिटी डिमांड फॉर बीफ बिकम्स फोर वेन प्राइस ऑफ चिकन बिकम्स सिक्स हंड्रेड रुपीज सो बिटवीन दीज टू स्नैरियोज देयर इज समिटी डिमांड फॉर बीफ और इस केस में यहाँ पे क्या है कि जब कंज्यूमर फर्स्ट स्नेरियो से पे गया तो वहां पर चेंज इन क्वानिटी डिमांड फॉर बीफ इज इक्वल टू टू के जी है मेरे पास और फिर इसी पैटर्न पे मैं अगर चेंज इन प्राइस ऑफ चिकन की बात करूं वेन कंज्यूम वेन स्नैरियो चेंज इज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड चेंज इन प्राइस ऑफ चिकन क्या है कि प्राइस ऑफ चिकन इज इंक्रीज बाई टू हंड्रेड रुपी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है आई हैव हैव टू टू आई मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर बीफ बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ चिकन और यहां पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर बीफ क्या है इट इज इक्वल टू टू बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज इन प्राइस ऑफ चिकन बाई टू हंड्रेड रुपी और यहां पर फर्स्ट नैरियो के सामने जो मैं यहां पर रिपोर्ट कर रहा हूं वो क्या है दीज आर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेन क्वांटिटी डिमांड फॉर बीफ इज इक्वल टू टू एंड प्राइस ऑफ चिकन इज इक्वल टू फोर हंड्रेड और यहां पे मेरे पास आंसर क्या आया इट इज इक्वल टू टू प्राइस ऑफ चिकन इज इंक्रीज बाय परसेंट क्वांटिटी डिमांड फॉर बीफ विल इंक्रीज बाय टू परसेंट और अगर मैं यही क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्यूट करूं विद रेफरेंस टू सेकेंड स्नैरियो तो देन मेरे पास क्या हो गया चेंज इन क्वॉंटिटी डिमांड फॉर बीफ एंड चेंज इन क्वानिटी चेंज इन प्राइस ऑफ चिकन बिटवीन दीज टू स्नैरियो इज सेम एज इट इज अगेंस्ट द फर्स्ट दूवर टू हंड्रेड बट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट विच वी आर कंप्यूटिंग द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इस केस में वो क्या है दैट इज फोर यूनिट फोर के जी ऑफ क्वानिटी डिमांड ऑफ बीफ एंड सिक्स हंड्रेड रुपीज ऑफ प्राइस ऑफ चिकन

फाइव परसेंट इफ प्राइस ऑफ चिकन इज इंक्रीज बाई वन परसेंट जब आप क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो ये जो वैल्यूज मेरे पास कंप्यूट होंगी कभी तो ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर आएगा कभी ये नेगेटिव आएगा और कभी ये जीरो भी होगा जब हम कहते हैं कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज पॉजिटिव तो वहां पे बेसिकली क्या है टू कमोडिटीज आर सब्सटीट्यूट इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर अदर कमोडिटी और वो जो अभी हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल की है chicken, वहां पे क्या था बीफ इज अब्सटीट्यूट ऑफ चिकन जी क्यों सब्सटीट्यूट था वहां पर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज अ पॉजिटिव नंबर आर इट इज इक्वल टू टू आर इट इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव लेकिन जब मैं इसी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करूंगा विद रेफरेंस टू कॉम्प्लीमेंट्स देन यहां पे मेरे पास एक नेगेटिव नंबर रिपोर्ट होगा और वो क्या इंडिकेट करेगा कि इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी बाय वन परसेंट देन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर अदर कमोडिटी बाई सम स्पेसिफिक परसेंटेज और अगर दो कमोडिटीज इंडिपेंडेंट हो तो उस केस में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो हाँ जी नेगेटिव किस केस में हो सकता है अगर मैं कहूं जी ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉम्प्लीमेंट जी अगर मेरी एजम्पन है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉम्प्लीमेंट देन क्या होगा देन दर रिपोर्टेड वैल्यू अंडर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव अब ये जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि जी सब्सिट्यूट के लिए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा और जीरो होगा ये किस बेस पे है दिस इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिट्यूशन इफेक्ट और ये सब्सिट्यूशन इफेक्ट हमने पे कंप्यूट किया था हमने ये सारी चीजें स्टडी की थी अंडर कंज्यूमर बिहेवियर अंडर कंज्यूमर बिहेवियर वेन एवर प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी देर आर टू टाइप्स ऑफ द इफेक्ट वन इज सब्सूशन इफेक्ट एंड अदर वन इज इनकम इफेक्ट अब जब हम के केस में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देर इज पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के इलास्टिस अगर मैं एज्यूम करूं कि देर आर टू कमोडिटीज वन इज वीट एंड अदर वन इज राइस और अजम्पशन क्या है वीट एंड राइस आर सब्सिट्यूट ऑफ ईच अदर कि इफ प्राइस ऑफ वीट इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज हाँ जी कब होगा इफ वीट एंड राइस आर सबस्टिट्यूट लेकिन यहां पर यह भी तो हो सकता है कि जब प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज करे बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वीट देयर इज डिक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड कंज्यूमर इज नॉट इन अ पोजिशन टू बाय मोर राइस वो क्या करेगा कि बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन रियल इनकम इट माइट बी पॉसिबल देअ इज डिक्रीज इन डिमेंड फॉर राइस और यहां पे ये जो डिक्रीज इन डिमांड फॉर राइस हुआ ये क्यों हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ अंडर इनकम इफेक्ट और अगर इनकम इफेक्ट आपका सब्सिट्यूशन इफेक्ट को आप कह लें आउट वे कर दे कि इनकम इफेक्ट ग्रेटर हो जाए देन द दब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इस केस में क्या हो सकता है कि इट माइट बी पॉसिबल क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज अ नेगेटिव नंबर आलथो टू कमोडिटीज आर सब्सिट्यूट बट क्रॉस प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमेंड बिकम्स अगेटिव नंबर फिर इसी पैटर्न पे जब हम कॉम्प्लीमेंट के केस में बात करते हैं हम 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 क्या कहते हैं कि यूजुअली फॉर कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी रिपोर्ट्स। अब मेरी एजम्पन क्या है कि मैं कहता हूं वेजिटेबल एंड राइस आर टू कॉम्प्लीमेंट्स के सम यूजिंग vegetable and rice in some positive proportion ke if price of vegetable increases then quantity demand for rice decreases two decrease okay two commodities are complement again yahan bhi situation kya gayi, ke if price of vegetable increases real income of the household decreases and because of decrease in real income ho na, ho kya? there is a decrease in demand for rice इसमें केस में क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इनकम देअ इज डिक्रीज इन डिमांड डिमांड फॉर राइस तो इसने क्या किया यहां पे इन दोनों इफेक्ट्स ने एक दूसरे को री इन्फोर्स किया subject, कि जब प्राइस इंक्रीज हुई क्वांटिटी डिमांड फॉर राइस डिक्रीज हो गई और एक और जो इफेक्ट आना था कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वेजिटेबल देर इज ऑल्सो डिक्रीज इन रियल इनकम और उसकी वजह से फर्दर क्या होना था कि देयर इज देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर वेजिटेबल तो यहां पे इन दोनों चीजों ने एक दूसरे को री इन्फोर्स किया लेकिन यहां पे जो हम बात करते हैं कि इनकम इफेक्ट इज नॉट ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइसेस अभी जो हमने पीछे बात की थी वहां पे क्या था कि इफ प्राइस इंक्रीजेस रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड

ये इस सिचुएशन में होगा जब कमोडिटी अंडर कंसिड्रेशन इज एन इनफीरियर कमोडिटी लेकिन यूजुअली जो जो हम बात करते हैं कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव फॉर नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्स एंड जीरो फॉर न्यूट्रल गुड्स ये यूजुअली होल्ड करती है ये बात और अगर मैं इस सारी चीजों को अब एक दफा समराइज कर दूं तो मेरे पास क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट क्या होगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव या आर इट इज यूजली पॉजिटिव एंड फॉर कॉम्प्लीमेंट इट इज नेगेटिव एंड फॉर इंडिपेंडेंट गुड्स इट इज इक्वल टू जीरो जब मैं इंडिपेंडेंट गुड्स की बात करता हूं तो यहां पे क्या हो सकता है इट माइक बी पॉसिबल ब्रेड एंड फ्रूट आर टू इंडिपेंडेंट गुड्स क्या जी इफ प्राइस ऑफ फ्रूट इफ देर इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ फ्रूड आर इफ देर इज इंक्रीज इन Price of fruit by 1 percent, it might be possible there is no change, no percentage change in demand for bread.